वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप वन क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप टू क्वेश्चन। तो अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो ये फॉर्मेट में, और अगर डे बाय एम बाय डे बाय वाई इज नॉट इक्वल टू डे बाय एन बाय डे बाय एक्स ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा होगा तो वो होगा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिस्कस करेंगे टाइप टू मेथड। तो उसके लिए ये कंडीशन गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर हमारा एम इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, तो अगर एक्स इंटू वाई दोनों फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और बाहर वाई मल्टीप्लाई में होगा, एन इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते जो कि है वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, राइट। तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये गिवन इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी, राइट। तो अब हम करेंगे उसके ऊपर एक रिलेटेड सम। तो हमें बोला है क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, राइट। तो हम पहले देखेंगे कि ये एम ने और ये एन ए, राइट। तो इधर एम इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर है और इधर एन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई है। तो हम चेक करेंगे ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो उसके लिए हम चेक करते हैं डे बाय एम बाय डे बाय वाई इज नॉट इक्वल टू डे बाय एन बाय डे बाय एक्स, राइट। तो अब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो डे बाय एम बाय डे बाय वाई, अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई वन माइनस एक्स कॉन्स्टेंट होगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा टू वाई, तो ये हमें मिला वन माइनस टू एक्स वाई। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन देंगे हम। अभी इसका एन का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली, तो डे बाय एन बाय डे बाय एक्स माइनस अभी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा वन प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कॉन्स्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स, तो इधर से हमें मिला माइनस वन माइनस टू एक्स वाई। तो अभी इधर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों भी अनइक्वल है, राइट। तो डे बाय एम बाय डे बाय वाई इज नॉट इक्वल टू डे बाय एम बाय डे बाय एक्स, तो ये हमारा हो गया नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ से हम वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर से वाई कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास वन माइनस एक्स वाई, और इधर से हम एक्स कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा माइनस वन प्लस एक्स वाई। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ये इक्वेशन के साथ एम इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, राइट। तो इधर से एम ये हमारा एम है, तो एम क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, और इधर एन है जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स, राइट। तो इधर जी है हमारा एक्स वाई इंटू एक्स, तो इसलिए हम ये मेथड से सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, तो वन अपॉन एम एक्स, तो हमारा एम है इधर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई, राइट। तो एन क्या है हमारा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे वन अपॉन ये एक्स इधर अंडर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई टू एक्स वाई, और ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वन अपॉन टू एक्स वाई, राइट। तो अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वन अपॉन टू एक्स वाई। तो अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम ये गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें गिवन सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन लिखेंगे हम ये वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स
इनटू ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2xy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये डिनोमिनेटर में 2xy dy इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट, राइट। तो अब हम इसे डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ये y और ये y कैंसिल होगा तो बचेगा 1/2x माइनस एक्स एक्स कैंसिल होगा तो बचेगा y बाय टू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ये x और ये x कैंसिल होगा तो इधर बचेगा 1/2y प्लस ये एक्स स्क्वायर और एक एक्स कैंसिल होगा तो बचेगा y x बाय टू डी वाई इक्वल टू सी, राइट। तो अब इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो इधर इंटीग्रल 1/2x क्या होगा, 1/2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x माइनस, अभी ये y बाय टू दोनों भी कॉन्स्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू x तो y बाय टू कॉन्स्टेंट बाहर, और इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होगा इधर x, राइट। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब ये इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, राइट। तो इंटीग्रेशन एन डी वाई करते वक्त आपको ध्यान में रखना है वही टर्म का इंटीग्रेशन लेंगे जिसमें एक्स ना हो, राइट। तो इधर ये टर्म में एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली होगा इधर जीरो प्लस, अभी इंटीग्रेशन ये इंटीग्रल में एक्स नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा 1/2 लॉग वाई, राइट इक्वल टू सी। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 1/2 लॉग एक्स माइनस 1/2 लॉग वाई माइनस एक्स वाई बाय टू इक्वल टू सी, राइट।